हाय एवरीवन, दिस इज आकाश एंड वेलकम बैक टू योर ओन चैनल, जहाँ पे हम बात करते हैं अबाउट इंजीनियरिंग एंड इंजीनियर्स के बारे में। तो गाइज, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अबाउट क्वार्टर जॉइंट का डिज़ाइन प्रोसीजर, जो कि एग्जाम में 8 या 10 मार्क के लिए आता है। नाउ एग्जाम में आपको सारे के सारे स्टेप्स नहीं करने हैं, आपको 4 या 5 या फिर डिपेंडिंग अपॉन क्वेश्चन में क्या पूछा है, न्यूमेरिकल में क्या पूछा है, सिर्फ उतने स्टेप्स की ज़रूरत है। बट इस वीडियो में आपको स्टार्ट से एंड सारे के सारे स्टेप्स बताने वाला हूँ, तो ये वीडियो एंड तक बिना स्किप किए ज़रूर देखना है। अगर आपको यार ये चैनल पे मज़ा आ रहा है तो यार सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन को हिट करो, सो दैट आपको आने वाले हर अपडेट्स मिल जाए, राइट। तो विद दिस लेट मी स्टार्ट विद टुडेज फर्स्ट पर्टिकुलर पार्ट, दैट इज डिज़ाइन प्रोसीजर फॉर क्वार्टर जॉइंट। तो सबसे पहले हम लोग क्वार्टर जॉइंट का जो रॉड वाला पार्ट है ना, उसको डिज़ाइन करेंगे। तो रॉड सॉकेट का भी हो सकता है या फिर रॉड स्पिगॉट का भी हो सकता है, वो मैटर नहीं करता, हम लोग रॉड को डिज़ाइन करने वाले हैं। तो ये जो पार्ट है ना यहाँ पे, ये वाला पार्ट गाइस, ये वाला आपका रॉड है। अब ये रॉड पे आइदर वी कैन अप्लाई टेंसाइल फोर्स या फिर वी कैन अप्लाई कंप्रेसिव फोर्स, कोई भी ले लो। मैं यहाँ पे टेंशन के बारे में बात करता हूँ। तो व्हाट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इज कि फेलियर ऑफ दिस रॉड अंडर टेंशन, मतलब अगर मैंने यहाँ पे टेंशन अप्लाई किया तो ये रॉड किस तरीके से फेल होगा। मतलब ये जो क्रॉस सेक्शन है ना, यहाँ पे मैंने टेंसाइल फोर्स अप्लाई किया, और जब भी मैं टेंसाइल फोर्स अप्लाई करूँगा, अगर बहुत ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर दिया तो क्या होगा, ये रॉड जो है ना ये टूट जाएगा। तो रॉड जब भी टूटेगा तो कहने से वो क्रॉस सेक्शन भी सर्कुलर रहेगा, परफेक्ट नहीं रहेगा बट सर्कुलर ही क्रॉस सेक्शन दिखाई देगा। इससे क्या पता चलता है, इससे मुझे पता चलता है कि हमें इस वाले एरिया पे फोकस करना है, ये वाला एरिया ना। ये एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा, बहुत ईजी है। सर्कल के बारे में बात करें तो एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला π/4 × d² एज सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे मुझे इसका एरिया भी पता है। ऐसा अज्यूम करें कि यहाँ पे लोड जो है वो हम लोग W का अप्लाई करें, मतलब यहाँ पे W का लोड, यहाँ पे W का लोड अप्लाई करें। तो अगर मेरे को स्ट्रेस के बारे में बात करना है, विच इज़ सिग्मा टी, क्योंकि हम लोग टेंसाइल स्ट्रेस के बारे में बात करें, तो सिग्मा टी का फॉर्मूला आएगा W अपॉन एरिया। अभी W का लोड तो हमको दिया है W, और एरिया हमने ऑलरेडी बात किया π/4 d², तो यहाँ पे आएगा ये π/4 d². ना एग्जाम में आपको क्या करना है गाइस, एग्जाम में आपको ये वाला स्टेप लिखना है। अगर ये क्वेश्चन पूछा कि फेलियर ऑफ रॉड एंड टेंशन बताओ, तो आपको ये स्टेप नंबर 1 करना है, और उसके बाजू में आपको सिर्फ ये सर्कल ड्रॉ करके उसका डायमीटर बताना है स्मॉल डी, और ये वाला पार्ट लिख के रखना है। ये जो 3D डायग्राम है ये आपको एग्जाम में नहीं ड्रॉ करना है, ये मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के लिए बोला है। आने वाले सारे वीडियोज़ में या फिर PPTs में मैं जो भी डायग्राम बताऊंगा, 3D डायग्राम आपको नहीं बताना है, आपको सिर्फ 2-डायमेंशनल डायग्राम विद डायमेंशन मेंशन करना है। तो पहला वाला स्टेप क्या था, पहला वाला स्टेप था फेलियर ऑफ रॉड अंडर टेंशन, फेलियर ऑफ रॉड अंडर टेंशन, बहुत ईजी है। देखो बहुत ईजी है गाइस, सिर्फ आपको ये फॉर्मूला है लोड पर यूनिट एरिया। लोड तो वैसा का वैसा रहेगा, आपका पूरा का पूरा गेम है कि एरिया डिटरमाइन करना, और वो कैसे करोगे कि जो शेप टूट रहा है उसका एरिया क्या है वो आपको फाइंड करना है, सिंपल है। चलो चालू करते हैं सेकेंड वाले पार्ट के बारे में। अभी हम लोग बात करने वाले फेलियर ऑफ स्पिगॉट, ये वाला स्पिगॉट है, तो फेलियर ऑफ स्पिगॉट के बारे में बात करेंगे, राइट। मैं स्पिगॉट अगर फेल हो रहा है बिकॉज ऑफ टेंशन, तो सर ब्रेक कहाँ पे होगा, कॉलर पे ब्रेक होगा, रॉड पे ब्रेक होगा, या कहाँ पे ब्रेक होगा ना। उसके लिए बहुत सिंपल सा लॉजिक है सर, जो भी सेक्शन वीकेस्ट है, जो भी पार्ट सेक्शन पूरा में वीकेस्ट है वहाँ पे ब्रेक होगा ना। सोच के देखो यार कहाँ पे ब्रेक हो सकता है, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, कि या बीच में ना, बीच में स्लॉट है, स्लॉट में कहने से जगह कम है, मतलब मटेरियल कम है वहाँ पे, क्योंकि बीच में खड्डा है ना या फिर वो स्लॉट है। तो अगर वहाँ पे अगर ज़्यादा लोड अप्लाई किया तो वहीं पे टूट जाएगा। तो व्हाट विल हैपन इज नॉर्मली जो स्पिगॉट है वो टेंशन में इस जगह पे ब्रेक हो जाती, इस तरीके से ब्रेक होगा ना। जब भी अगर मैंने इसको यहाँ से ऐसा वर्टिकली ब्रेक किया, मतलब अगर ये अपना स्पिगॉट था उसको ऐसा कट कर दिया जैसे ग्रीन कलर का बता रहा है, और अगर आपने राइट साइड से देखा तो आपको कुछ इस तरीके का शेप दिखाई देगा, बराबर है ना। यहाँ पे एरिया कौन सा आ रहा है, यहाँ पे ये जो शेडेड पोर्शन है ना वो एरिया, क्योंकि ये टूटा हुआ पार्ट है, यहाँ पे एक्चुअली ब्रेकिंग का पार्ट हुआ है, यहाँ पे एक्चुअली स्ट्रेस हुआ है, राइट। तो हमें ये वाला एरिया कंसिडर करना है। अब ये वाला एरिया के लिए आप अगर आप शेप देखोगे तो आपको एक सर्कल दिखाई देगा, और सर्कल के अंदर एक रेक्टेंगल दिखाई देगा जहाँ पे स्पेस नहीं है, इसलिए मैंने यहाँ पे शेड नहीं किया। तो ये पूरा वाला जो लेंथ है ये नथिंग बट डायमीटर है d2 है, और ये वाला जो पार्ट है दिस इज नथिंग बट स्मॉल टी, दैट इज थिकनेस, क्वार्टर का थिकनेस इसके हिसाब से दिया हुआ है, राइट। अच्छा, तो मुझे ये शेडेड एरिया फाइंड करना है ना। वीडियो पॉज करके यार सोचो ज़रा यार इसका शेडेड एरिया का फॉर्मूला क्या है। आई होप आपने पॉज किया रहेगा, नहीं किया रहेगा तो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे क्या करना है। पूरे सर्कल में से मुझे ये बीच का पार्ट जो है ना रेक्टेंगुलर शेप का कुछ है वो निकालना है। तो पूरे सर्कल का एरिया का फॉर्मूला क्या आएगा, π/4 d², अपने यहाँ पे d मतलब d2 है तो फॉर्मूला आएगा π/4 d² उसमें से मेरे को ये वाइट वाला पार्ट है जो रेक्टेंगल शेप का है वो निकालना है।
रेक्टेंगल का एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ, लेंथ इसका ये है ले लो डी टू ले लो, ब्रेथ है टी टू, टी सॉरी नॉट टी टू टी, तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा टी इंटू डी टू। तो अगर मैं शेडेड पोर्शन का एरिया बोलूँ तो ये आएगा एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला पा ये लिख दिया मैंने, ये वाला ये जो पार्ट है ना गाइज, यहाँ पे दिस इज एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला ये है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो तो आपको जो शेडेड पोर्शन है उसका एरिया मिल जाएगा। बाद में क्या करना है, बाद में सेम चीज़ है स्ट्रेस का फॉर्मूला, स्ट्रेस का तो एक ही फॉर्मूला पड़ा है, लोड पर यूनिट एरिया या फिर लोड अपॉन एरिया या फिर इंटरनल रेजिस्टिंग फोर्स अपॉन एरिया, कोई भी बात कर लो बात एक ही कर रहा है। तो यहाँ पे लोड तो वही रहेगा, पी बोल दो डब्ल्यू बोल दो जो क्वेश्चन में दिया रहेगा, एंड एरिया वाला पार्ट यहाँ पे ये आ जाएगा। तो अगेन जैसे मैंने बोला गाइस आपको, ये वाले स्टेप में आपको सिर्फ ये वाला डायग्राम जो है वो दिखाना है और ये स्टेप लिखना उतना ही है। तो ये आपका सेकेंड स्टेप था। नाउ पहले हमने रॉड के बारे में बात किया, अभी हम बात करें स्पिगॉट के बारे में। तो अभी सिर्फ स्पिगॉट के बारे में बात करेंगे, फेलियर ऑफ रॉड, फेलियर ऑफ स्पिगॉट इन टेंशन, फिर बाद में शीयर, फिर क्रशिंग, और फिर बाद में स्पिगॉट के कॉलर्स के बारे में बात करेंगे। तो पहले सिर्फ स्पिगॉट के बारे में बात करना है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि एग्जाम में क्या होगा पता है, आपको याद नहीं रहेगा कि सीक्वेंस में कैसे जाना है, कि स्टेप नंबर वन में क्या था, स्टेप नंबर टू में क्या था। इसलिए मैं ये बता रहा हूँ, पहला वाला स्टेप में हम लोग रॉड का बात कर लिया, फिर आने वाले बाकी के सारे स्टेप में स्पिगॉट के बारे में बात करेंगे। और सीक्वेंस भी देखना बहुत आपको फेमिलियर रहेगा, यहाँ पे टेंशन की है ठीक है। अच्छा इसका इस्तेमाल करके हम लोग क्या फाइंड कर सकते हैं, इसका इसका इसमें हमको ये जो स्मॉल टी है ना टी, अगर इसका वैल्यू दिया नहीं रहेगा तो उसके लिए एक एम्पिरिकल फॉर्मूला है, दैट इज़ डी टू अपॉन फोर। डायमीटर का तो वैल्यू दिया रहेगा, तो अगर आपको स्मॉल टी का वैल्यू डायरेक्टली क्वेश्चन में नहीं दिया है तो आपको ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करके आपको स्मॉल टी का वैल्यू मिल जाएगा। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रख लेना प्लीज़, राइट। लेट मी मूव फॉरवर्ड टू द स्टेप नंबर थ्री, दैट इज चेकिंग द स्पिगॉट फॉर क्रशिंग स्ट्रेस। तो पहला वाला कौन सा था, स्पिगॉट के लिए टेंशन का स्ट्रेस था, अभी कौन सा है क्रशिंग। नाउ क्रशिंग आई एम श्योर आपको याद रहेगा कि क्रशिंग क्या होता है। लेट सपोज मैं कुछ एक ले लेता हूँ, लेट सपोज मेरे पास एक सिंपल सा ये वाला पॉट है, ये पाउडर का ये है राइट। अगर मैं इसको फोर्स अप्लाई करूँ, मैं ऐसा इसको प्रेस कर रहा हूँ राइट, बाहर निकल जाएगा पाउडर। तो इसको प्रेस करना मतलब क्रशिंग करना है, इसको ऐसा प्रेस करना मतलब क्रशिंग करना है राइट। ये कंप्रेसिव फोर्स, आप बोलोगे सर ये तो कंप्रेसिव फोर्स है, ऐसे नहीं होता है, कंप्रेसिव फोर्स नहीं होता है। अभी लेट सपोज मैंने इसको ऐसा पकड़ के रखा है, अभी कौन से टाइप का फोर्स है, फोर्स तो मैं हर जगह से लगा रहा हूँ, तो इसको एक्चुअली मैं क्रश कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है। बट अगर लेट सपोज मैं इसी तरीके से दोनों तरीके से ऐसा फोर्स लगा रहा हूँ, लेट सपोज ऐसा दबाने का ट्राई कर रहा हूँ, सो ये हो जाएगा मेरा कंप्रेशन। क्रशिंग के लिए हम लोग पूरी तरीके से लोड लगाते। तो आई होप आपको समझा रहेगा, नहीं समझा रहेगा तो थोड़ा सा रिसर्च कर लेना गाइस, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है, मज़ा आएगा इंजीनियरिंग करने में। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले स्पिगॉट के बारे में। तो स्पिगॉट कहाँ पे, अपना स्पिगॉट ये अंदर वाला पार्ट है ठीक है। अभी सोचो जब ये स्पिगॉट क्रश होगा ठीक है, स्पिगॉट अगर क्रश हो रहा है, स्पिगॉट इसके अंदर है फिलहाल राइट, तो स्पिगॉट को क्रश कौन करेगा, स्पिगॉट के अंदर वाले पार्ट को, कहने से ये वाला क्वार्टर का पार्ट है वही क्रश करेगा। तो क्वार्टर का पार्ट जब क्रश करेगा तो क्वार्टर कहाँ पे है, क्वार्टर वो स्लॉट पे है बराबर है। तो स्लॉट के अंदर वाला जो पार्ट है ना, एक रेक्टेंगुलर पार्ट आएगा उसको क्रश करेगा। मैं बताने का ट्राई करता हूँ, देखो यहाँ पे ये जो पार्ट है ना, ये अंदर जो स्पिगॉट है, इसके अंदर एक स्पिगॉट है ना राइट, ये ऐसा वाला पार्ट है। तो ये जो पार्ट है ना, ये वाला पार्ट यहाँ का, इसको ये वाले लेंथ को क्रश करने का ट्राई करेगा। ये वाला एक थ्री डी डायग्राम भी देखते हैं। तो ये वाले स्लॉट को ब्रेक किया, यहाँ पे क्या जाने वाला है, यहाँ से ऐसा क्वार्टर अंदर घुसने वाला है राइट। ये वाला आपका क्वार्टर ऐसा अंदर इसके अंदर घुसने वाला है। तो ये क्वार्टर क्या करेगा, ये जो अंदर का पार्ट है ना, ये वाला पार्ट गाइस, इस वाले स्लॉट के अंदर वाले पार्ट को क्रश करने का ट्राई करेगा। ये समझ में आ रहा है। तो हमें एरिया कौन सा लेना है, हमें ये अंदर वाले पार्ट का एरिया लेना है। अब ये अंदर वाले पार्ट का एरिया कैसा होगा यार, शेप देख लो ना, शेप तो रेक्टेंगल होगा। अभी थोड़ी देर पहले देखा था कि सर्कल में से रेक्टेंगल सब्ट्रैक्ट किया था, तो ये तो रेक्टेंगल शेप है। इसका डायमेंशन भी पता है, ये आपको पता है डी टू है और ये आपको पता है स्मॉल टी है। और एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेंथ इंटू ब्रेथ, तो ये आ जाएगा आपका टी इंटू डी टू। तो यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला मिल गया आपको, एरिया का फॉर्मूला इज टी इंटू डी टू। फिर क्या है यार, फिर वही चीज़ है, लोड पर यूनिट एरिया। सिग्मा सी लिखेंगे बिकॉज क्रशिंग, सिग्मा सी आर लिखेंगे बिकॉज क्रशिंग स्ट्रेस के बारे में बात कर रहे हैं। तो सिग्मा सी आर इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन डी टू इंटू टी, ये वाला आपका आ जाएगा आंसर। तो ये हो गया आपका स्टेप नंबर थ्री। स्टेप नंबर वन टेंशन ऑफ रॉड, फिर बाद में टेंशन ऑफ स्पिगॉट, फिर बाद में क्रशिंग ऑफ स्पिगॉट। ये इतना पार्ट आई एम श्योर आपको क्लियर हुआ रहेगा। नहीं क्लियर हुआ रहेगा तो यार पॉज करो, वीडियो वापस रिवाइंड करके देखो, धीरे धीरे करो, एक दिन में सब कुछ नहीं करना है, आराम से जाओ। ये सिर्फ समझना इंपॉर्टेंट है। जैसे रणछोड़ दास बोलते हैं कि यार
एक मिनट अपने टाइम का रिवाइंड करके देखो और सीखो, देखो कि कुछ सीखा क्या। तो अगर नहीं सीखा है तो यार वापस देखो, कोई बात नहीं है, बहुत टाइम है, आराम से धीरे धीरे हो जाएगा, राइट। बाद में बात करेंगे फेलियर ऑफ स्पिगॉट एंड इन शियर, वापस स्पिगॉट के बारे में बात करें, बट अभी बात करें शियर के बारे में। तो शियर होगा तभी क्या होगा ये समझने का ट्राई करना है। अपने पास ये स्पिगॉट है, राइट। अभी अगर ये स्पिगॉट शियर हो रहा है, शियर मतलब क्या होता है कि लेट सपोज अगर मेरे पास एक बॉक्स है, उसको मैं ऐसा टेंजेंशियल लोड लगा रहा हूँ, तो वो क्या होगा, ऐसा कट हो जाएगा, बराबर है। या फिर केक का एग्जांपल, आपके पास केक है, आपने केक को ऐसा वर्टिकल कट करिया, तो आपने क्या किया, शियर किया, समझ में आ रहा है। उसी तरह इसके अंदर जो भी रॉड जाता है ना, जो क्वार्टर का पार्ट जाता है, वो अगर ऐसा बाहर निकल गया तो क्या करेगा, वो स्पिगॉट को ऐसा तोड़ के बाहर निकलेगा, ये समझ में आ रहा है। लेट मी जस्ट ट्राई टू शो, दिखाई दे रहा है, ये स्पिगॉट का पार्ट था, यहाँ पे क्या जाता है, ये स्लॉट था, ये स्लॉट के अंदर क्वार्टर जाने वाला था, ये क्वार्टर ने अगर धक्का मार दिया तो ये आगे का पार्ट ऐसा टूट के बाहर निकल के आ जाएगा, तो वो केक के पार्ट की जैसे ऐसा बाहर निकल के आ रहा है, शियर हो रहा है, राइट। तो आपका ये वाला पार्ट शियर हो रहा है। तो शियर होते वक्त आपका टूटा हुआ एरिया कौन सा है, एक तो ये साइड में टूटा हुआ एरिया है, इसके बाजू में मतलब ऑपोजिट साइड भी, पीछे साइड भी टूटा हुआ एरिया होगा, तो ये शेप कौन सा दिखाई देगा, ऑब्वियस ही बात है ये शेप आपको रेक्टेंगुलर दिखाई देगा, राइट। तो रेक्टेंगुलर शेप का फॉर्मूला क्या होता है, वापस लेंथ इनटू ब्रेथ। यहाँ पे लेंथ क्या है, स्लॉट के आगे का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग ने डिनोट किया है बाय द सिंबल स्मॉल ए, जो कि मैंने पिछले वीडियो में बता दिया था, नहीं देखा तो यार प्लीज़ देखो। यहाँ पे जो हाइट है वो है डी टू, तो कहने से दिस विल बी ए इंटू डी टू, बट घाई मत करना, मैंने क्या बोला था, यहाँ पे दोनों साइड एरिया, यहाँ पे भी एरिया है, इसके ये वाले साइड पे भी एरिया होगा, तो यहाँ पे आपको एरिया को, जो एक साइड का एरिया उसको टू से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आपको दोनों साइड का एरिया मिल जाएगा। तो यहाँ पे एरिया का जो फॉर्मूला हो जाएगा वो होगा टू इंटू ए इंटू डी टू फॉर डबल शियर, ये समझ में आ रहा है। फिर क्या बात है, फिर वही तो बात है, स्ट्रेस का फॉर्मूला, लोड पर यूनिट एरिया। अभी यहाँ पे शियर स्ट्रेस के बारे में बात करें तो टाउ लिखेंगे, टाउ इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टू इंटू ए इंटू डी टू, समझ में आ रहा है गाइस। गाइस इतना ही सिंपल है, हम लोग क्या कर क्या रहे हैं, हम लोग सिर्फ ये देख रहे हैं कि टूट कहाँ पे रहा है और एरिया कौन सा कंसिडर करना है, और ये प्रोसेस में आपको कौन से चीज़ का डायमेंशन कौन सा है, किससे डिनोट किया है, वो आपको याद रखना पड़ेगा। इसलिए मैंने आपको पिछले वीडियो में बोला था कि वो वीडियो बहुत ध्यान से देखना, और मैंने उस वीडियो को ज़्यादा बड़ा नहीं किया, बिकॉज बड़ा करूँगा तो आप पूरा का पूरा देख लोगे, मुझे पता है आपको ये वीडियोज़ अच्छा लग रहा है, तो पूरा का पूरा देख लोगे और वो पार्ट ज़्यादा एफर्ट नहीं डालोगे, तो प्लीज़ वो वीडियो बहुत अच्छे से देखो, मज़ा आएगा आपको, राइट। एंड ये वाला इक्वेशन में हम लोग इस्तेमाल करके हम लोग स्मॉल ए, दैट इज स्लॉट के आगे वाला जो डिस्टेंस होता है, लेंथ होता है, पार्ट होता है जो स्पिगॉट का, उसका वैल्यू निकालते हैं, दैट इज ए। मतलब नॉर्मली आपको यहाँ पे शियर स्ट्रेस टाउ का वैल्यू दिया रहता है, डब्ल्यू दिया रहता है, डी टू पता रहता है, आप ए का वैल्यू निकालते हो, दैट इज स्लॉट के आगे वाले पार्ट, स्पिगॉट का पार्ट का लेंथ या फिर डिस्टेंस कितना होता है, राइट। तो दैट वॉज योर स्टेप नंबर फोर। लेट्स टॉक अबाउट फेलियर ऑफ स्पिगॉट कॉलर इन क्रशिंग। अभी हम लोग स्पिगॉट के कॉलर के बारे में बात करते हैं। तो मैंने पिछले वाले वीडियो में बोला था कि हर एलिमेंट का, यहाँ पे स्पिगॉट का तीन एलिमेंट्स होगा, स्पिगॉट का रॉड, स्पिगॉट का एंड और स्पिगॉट का कॉलर। अभी स्पिगॉट के कॉलर के क्रशिंग के बारे में बात करेंगे। तो यहाँ पे आपको, यहाँ पे मैंने एक स्पिगॉट का पार्ट बताया, ठीक है। अब ये स्पिगॉट को थ्री डायमेंशन में कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। अभी ये क्या करेगा, ये जो स्पिगॉट का ये वाला पार्ट है, ये क्या करेगा, ये एक सॉकेट के अंदर जाएगा, राइट। और यहाँ पे फिर बाद में आपको सॉकेट का कॉलर भी दिखने वाला है। सो ये सॉकेट का ऐसा कुछ कॉलर होगा, लेट मी ट्राई टू ड्रॉ, राइट। ये ऐसा सॉकेट का कॉलर होगा। तो होगा क्या, जब ये इस होल के अंदर जाएगा, इस होल के अंदर जब ये जाएगा, ये जो पार्ट है ना, ये कॉलर का पार्ट, ये जाके यहाँ पे प्रेस हो जाएगा। तो होगा क्या, यहाँ पे ये वाला पार्ट इसके साथ क्रश होना चालू करेगा। ये समझ में आ रहा, व्हाट विल हैपन इज, ये कॉलर का पार्ट इसको, इसके साथ क्रश होना चालू करेगा। या फिर ऐसा सोच, सॉकेट इस कॉलर को क्रश कर रहा है। तो जब ये क्रश करेगा, तो कहने से ये जो आउटर डायमीटर है, इसके बाहर वाला कॉलर का पार्ट है, सिर्फ उतने पार्ट को क्रश होगा। तो उतने पार्ट को मतलब कहने से ये ऐसा कॉन्सेंट्रिक सर्कल जैसा दिखाई देगा, बराबर है। मतलब आपको यहाँ पे ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल लेना है। मैं ये डायग्राम का ये वाला पार्ट निकाल देता हूँ, ठीक है। तो ये इरेज कर देता हूँ मैं यहाँ पे। तो आपको ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल देखना है। यहाँ पे आपको डायमीटर का याद होना चाहिए कि इंटरनल डायमीटर जो है ये वाला, अंदर का डायमीटर जो है, दैट विल बी नथिंग बट डायमीटर ऑफ दिस पार्ट, दैट इज नथिंग बट स्पिगॉट, जो हम लोग ने पिछले पीपीटी में भी देखा, डी टू था। आउटर मतलब ये जो स्पिगॉट के कॉलर का डायमीटर वो कितना है, वो डी थ्री है, राइट। अभी मुझे ये वाला शेडेड एरिया चाहिए। आई एम श्योर आप, मैं चाहता हूँ कि आप ये क्वेश्चन कमेंट्स में आंसर करो वीडियो आगे देखने से पहले। मुझे पता तो चले यार आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है, या फिर कितने ब्राइट बच्चे हैं मेरे, मेरे को पता चलना चाहिए। तो आई वॉन्ट शेडेड एरिया का पार्ट, राइट। तो शेडेड एरिया अगर मैं यहाँ पे निकालूँ, आई एम श्योर कि आपने कमेंट किया रहेगा, फिर मैं बता देता हूँ
कि यहाँ पे शेडेड एरिया विल बी नथिंग बट एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। सिंपल, तो आउटर सर्कल का एरिया क्या आएगा, पाई बाय 4 इंटू डी 3 स्क्वायर। इनर सर्कल का एरिया पाई बाय 4 इंटू डी 2 स्क्वायर। दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो मुझे एरिया मिल जाएगा। और हम क्या फाइंड कर रहे हैं, क्रशिंग। तो यहाँ पे क्या करेंगे, सिग्मा सी आर इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन एरिया। एरिया निकाल दिया, उसका सिर्फ फॉर्मूला डालना है, बात खत्म, सिंपल। और एग्जाम में आपको ये सब डायग्राम विग्राम नहीं ड्रॉ करना है, सिर्फ ये वाला पार्ट ड्रॉ करना है, विच इज़ वेरी इजी, राइट। तो ये था आपका पांचवा स्टेप, दैट इज फेलियर ऑफ स्पिगॉट कॉलर इन क्रशिंग। ठीक है, लेट इज मूव फर्दर एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड समथिंग मोर। ये सिर्फ मैंने ज़्यादा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी है आपको कि इफ़ यू वॉन्ट, अगर न्यूमेरिकल आ रहा है तो ये वाले स्टेप का इस्तेमाल करके आप जो आपका जो स्पिगॉट का कॉलर है, कॉलर का डायमीटर निकाल सकते हैं, दैट इज नथिंग बट डी थ्री। सो लेट मी मूव फर्दर। अभी बात करेंगे समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज कॉलर के यहाँ पे शियर होगा तो कैसे दिखाई देगा, राइट। कॉलर के यहाँ पे शियर मतलब अगर मैंने यहाँ पे अगर ऐसा टेंजेंशियल फोर्स लगा दिया तो ये कॉलर ऐसा टूट के बाहर आ जाएगा, राइट। तो देखो यहाँ पे टूट के कैसे बाहर आ रहा है, कुछ इस तरीके से बाहर आएगा, देखो ध्यान से देखो, ये आ गया बाहर, राइट। अभी यहाँ पे एरिया कौन सा है, टूटा हुआ एरिया लेना, टूटा हुआ एरिया कहने से ये वाला एरिया है ना, दिस इज एक्चुअली अ कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर, बराबर। ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर की तरह दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला क्या होता है, जो सिलेंडर का जो टोटल सर्कमफेरेंस होता है उसको अगर मैं हाइट के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर मिल जाता है, राइट। तो यहाँ पे मेरा ये जो कर्व, इसका जो पार्ट है ये वाला पार्ट, तो इसके लिए मेरे को इसका डायमीटर चाहिए रहेगा, डायमीटर कितना है, डायमीटर है d2, ठीक है ना। वो किसी भी सर्कल का पेरीमीटर या फिर बोलो सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr या फिर πd। तो यहाँ पे इसका एज पर दिस ये हो जाएगा पाई इंटू d2, राइट। अभी इसको मेरे को मल्टीप्लाई करना हाइट के साथ, अभी यहाँ पे जो हाइट है वो यहाँ पे किसकी तरह दिखाई दे रहा है, t1 की तरह, यहाँ पे t1, राइट। तो मेरे को अगर पूरा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर चाहिए तो मेरा फॉर्मूला आ जाएगा पाई इंटू d2 इंटू t1। तो ये हो गया आपका एरिया, समझ में आ रहा है। ये एरिया समझना ना गाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ गया तो भाई सब कुछ आ गया, कोई ज़्यादा बड़ी दिक्कत नहीं है, राइट। और ये वाला आपको डायग्राम ड्रॉ करना है बताने के लिए, तो यहाँ पे मैं एरिया बता देता हूँ, पाई d2 इंटू t। यहाँ पे मैंने गलती से t लिख लिया, यहाँ पे t1 लिखना है। t, इफ यू रिमेंबर, t वॉज नथिंग बट ये t जो था वो आपका क्वार्टर का थिकनेस था, याद रखना, t वॉज क्वार्टर का थिकनेस एंड t1 इज दी थिकनेस ऑफ स्पिगॉट कॉलर। तो ये वाला पार्ट आई एम श्योर आपको समझा रहेगा। फिर बाद में क्या है, बाद में वही है, क्या शियर का फॉर्मूला, शियर का बेसिक फॉर्मूला क्या होता है, लोड पर यूनिट एरिया या फिर लोड अपॉन एरिया। लोड दिया रहेगा, एरिया का फॉर्मूला निकाला, ये डाल दो, हो गया स्टेप नंबर 6। तो अगेन मैं यही बता रहा हूँ गाइस कि देखो ये डरो मत इससे, ये आपको सिर्फ यहाँ पे एरिया के बारे में बात करना है बस, राइट। तो हम लोग ने स्पिगॉट के क्रशिंग के बारे में बात कर लिया, अभी बात कर लिया स्पिगॉट के शियरिंग के बारे में। नाउ लेट्स टॉक अबाउट समथिंग एल्स एंड वन मोर थिंग। जैसे यहाँ पे t1 का है तो ये मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे, वरना आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। यहाँ पे t1 है, ये फॉर्मूला का इस्तेमाल करके आप t1 का वैल्यू निकाल सकते हो, दैट इज नथिंग बट द थिकनेस ऑफ स्पिगॉट कॉलर, राइट। चलो यहाँ पे थोड़ा एनिमेशन का गड़बड़ हो गया, बट कोई टेंशन नहीं यार, मैं बता देता हूँ। और काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है, ध्यान देना क्या बात करो, फेलियर ऑफ सॉकेट इन टेंशन अक्रॉस द स्लॉट। जैसे हम लोग ने फेलियर ऑफ स्पिगॉट के टेंशन के बारे में बात किया था, अभी फेलियर ऑफ सॉकेट के टेंशन के बारे में बात करते हैं। तो स्पिगॉट के टाइम में मैंने बोला था, जब भी टेंशन अप्लाई करोगे, टेंसाइल फोर्स अप्लाई करोगे, तभी जहाँ पे स्लॉट है वहाँ पे प्रयोग होगा। क्यों? क्योंकि वो वाला वीकर एलिमेंट है, वो वाला सेक्शन वीक है, क्योंकि वहाँ पे मटेरियल ज़्यादा नहीं है ना, डिसकंटिन्यूस है, इसलिए वहाँ पे ब्रेक होता है। तो यहाँ पे भी आपका ये जो सॉकेट है वो कहाँ पे ब्रेक होगा, सॉकेट ये वाला जो स्लॉट है ना वहाँ पे ब्रेक होगा। तो वहाँ पे ब्रेक होने के बाद आपको शेप कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। तो यहाँ पे शेप ज़्यादा कॉम्प्लेक्स दिखाई दे रहा है, तो ये वाला शेप है, ये शेडेड जो पार्ट है ये वाला शेप है ना, आपको इसका एरिया निकालना है ना। ये पूरे जो डेरिवेशन का पार्ट है या फिर पूरा जो डिज़ाइन का स्टेप्स है उसमें सबसे ज़्यादा एरिया का कॉम्प्लिकेशन इधर ही आता है। एंड मैक्सिमम बच्चा यहाँ पे छोड़ देता है कि नहीं भाई हो गया, हमसे ना हो पाए, ऐसा बोल देता है। तो ध्यान देना, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, हमें ये वाला शेडेड एरिया चाहिए, राइट। जस्ट बी विद मी, देखो बहुत ईजी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं क्या दिख रहा हूँ कि यहाँ पे एक आउटर सर्कल है, आउटर सर्कल का डायमीटर दिया है मेरे को d1, और फिर बाद में इनर सर्कल है, ये आउटर सर्कल बना देता हूँ मैं, राइट, और इनर सर्कल है, राइट, ओके ठीक है। तो आउटर सर्कल, इनर सर्कल, अगर मैं एरिया ऑफ सर्कल, आउटर सर्कल माइनस इनर सर्कल निकाल दूँ तो मुझे शेडेड पोर्शन का एरिया मिलेगा, बट उसमें ये वाला एरिया भी होगा, ये एरिया और ये वाला एरिया भी होगा, बट हमको ये एरिया नहीं चाहिए, बराबर है।
बट ये तो करना पड़ेगा, एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल। तो एरिया ऑफ आउटर सर्कल करूँ तो पाई बाय 4 ब्रैकेट डी वन स्क्वायर माइनस डी टू स्क्वायर ऐसा लिख सकता हूँ। दिस इज नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द एरियाज ऑफ टू सर्कल। अभी इसमें से मेरे को क्या करना है, ये बॉक्स जो पार्ट है ये निकालना है, ऊपर का बॉक्स और नीचे का बॉक्स निकाल देना, मत निकाल देना मतलब मेरे को ये वाला ऐसा इरेज कर देना है, ये नहीं होना चाहिए जो हम लोग ने एरिया निकाला। फिलहाल ये शेडेड पार्ट भी है बट हमको ये नहीं चाहिए। तो क्या करेंगे, तो उसके लिए बहुत सिंपल सा पार्ट है, ये जो बॉक्स है इसका एरिया निकालना पड़ेगा राइट, और ये जो बॉक्स है उसका एरिया निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे, ये बॉक्स रेक्टेंगुलर शेप की तरह दिखाई दे रहा है, इनका ये वाला पार्ट तो पता है बट ये कितना है ये वाला नहीं पता और मेरे को ये वाला भी नहीं पता राइट। बट देखो मेरे को ये वाला डायमेंशन पता है, ये कितना है, ये यहाँ से इतना, ये कितना है, दिस इज़ डी वन, और ये अंदर वाला पार्ट कितना है, अंदर वाला पार्ट डी टू है। तो पूरे बड़े वाले डायमीटर से अगर मैं छोटा वाला डायमीटर निकाल दूँ तो मेरे को इसका और इसका लेंथ मिल जाएगा। इन दोनों लेंथ को अगर मैंने टी से मल्टीप्लाई कर दिया तो कहने से ये शेडेड पार्ट का, ये जो बीच का पार्ट है उसका एरिया भी मिल जाएगा। नहीं समझा तो यार थोड़ा वापस ध्यान से देखो, मज़ा आएगा, समझ जाएगा ठीक है। मैंने क्या बोला, डी वन माइनस डी टू करो राइट, तो आपको ये जो शेडेड पार्ट है ना ये वाला पार्ट, इसका लेंथ मिल जाएगा। फिर बाद में क्या करना, ये जो लेंथ मिला इसको आप टी के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो आपको ये जो वाइट बॉक्स जो मैंने ड्रॉ किया उन दोनों का एरिया मिल जाएगा। समझ में आ रहा है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, क्या करेंगे, डी वन माइनस डी टू मल्टीप्लाई बाई टी। अब ये बॉक्स का एरिया मिल गया, पूरे शेडेड में से अगर ये निकाल दिया तो मेरे को एक्चुअल शेडेड एरिया मिल जाएगा। तो ये वाला बन जाएगा फॉर्मूला। ये नहीं समझा रहेगा तो कोई बात नहीं यार, वापस देखो, जब तक नहीं समझ में आ रहा है देखो, सीखने के लिए पढ़ाई करो, मार्क्स बाय डिफॉल्ट आ जाता है गाइस, मार्क्स का टेंशन मत लो, मिल जाएगा। तो ये एरिया हो गया रेजिस्टिंग का फॉर्मूला, और नीचे क्या लिखा है मैंने, सिंपल है, सिग्मा टी का फॉर्मूला डब्ल्यू अपॉन ए, वापस जैसे मैंने आपको बोला यहाँ पे एरिया लिख दिया बस और कुछ नहीं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप था, इसको वापस से देखो अगर नहीं समझा रहेगा तो। लेट मी जस्ट रिमूव माय फेस सो दैट आपको ठीक से दिखाई दे, आई होप आपको पहले ही दिखाई दिया रहेगा। सो गाइज ये वाला फॉर्मूला है, प्लीज़ ध्यान से कर लेना है वाला पार्ट राइट। सो आफ्टर दिस लेट अस मूव ऑन टू द 8th स्टेप। ये वाला अगेन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, अगर आपको चाहिए तो आप लिख सकते हो वरना कोई ज़रूरत नहीं है। स्टेप नंबर 8 की तरफ चलते, दैट इज़ फेलियर ऑफ सॉकेट कॉलर इन क्रशिंग। तो जैसे स्पिगॉट के कॉलर का क्रशिंग हुआ था वैसे यहाँ पे सॉकेट का कॉलर का भी क्रशिंग होगा ना। ये पॉइंट पे कुछ बच्चे होंगे उन्होंने एक पैटर्न ऑब्जर्व कर लिया रहेगा कि पहले सर आपने रॉड के बारे में बात कर लिया ठीक है, फिर बाद में आपने चालू किया स्पिगॉट, स्पिगॉट में पहला टेंशन आया, यहाँ पे भी जब ये आपने सॉकेट के बारे में बात किया तो यह सॉकेट के पहले टेंशन के बारे में बात किया, और वहाँ पे पहले बाद में आपने क्रशिंग के बारे में बात किया, यहाँ पे भी अभी आप क्रशिंग के बारे में बात कर रहे हो। तो जो सीक्वेंस में वहाँ पे था उसी सीक्वेंस में करोगे तो भी चल जाता है ठीक है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे फेलियर ऑफ सॉकेट कॉलर इन क्रशिंग के बारे में बात करने वाले हैं। तो ये आपका सॉकेट है, सॉकेट का ये वाला अंदर का पार्ट है, यहाँ पे क्या होगा कि ये जो पार्ट है ये वाला पार्ट, यहाँ पे अगर कोई लोड लगा दिया तो ये वाला जो पार्ट है ये वाला पार्ट क्रशिंग हो जाएगा बराबर है ओके। तो वो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा राइट, मतलब ये जो बाहर का सर्कल है वो किसका सर्कल है, बाहर का सर्कल इज द आउटर डायमीटर ऑफ द सॉकेट कॉलर राइट। फिर बाद में ये डी टू क्या है, डी टू इज नथिंग बट डायमीटर ऑफ स्पिगॉट के अंदर का है बराबर है। उसमें से मेरे को ये वाला पार्ट भी नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे भी कुछ नहीं है ना, हमको तो सिर्फ इसने इसके इतने पोर्शन के ऊपर जो प्रेशर एग्जर्टेड है वो चाहिए राइट। और यहाँ पे कौन सा पोर्शन होता है, यहाँ पे हम लोग एक्चुअली क्या करते हैं, यहाँ पे एक हम लोग रॉड डालते हैं जिसको हम लोग क्वार्टर बोलते हैं, और वो क्वार्टर जो होता है ना वो क्या करेगा, वो जो इतना सा पार्ट है उसका जो रेक्टेंगुलर पार्ट है वो यहाँ पे प्रेस करेगा, उसका सिर्फ रेक्टेंगुलर पार्ट को प्रेस कर रहा है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ रेक्टेंगुलर शेप का एरिया हमको चाहिए, बाकी और कुछ नहीं चाहिए। तो ये एरिया ईजी है रे, पिछले वाले स्टेप में जैसा ये रेक्टेंगल का एरिया निकला था ना सेम यहाँ पे वैसे ही करना है। तो बेसिकली डायमीटर का जो डिफरेंस है वो ले लो और थिकनेस से मल्टीप्लाई कर लो। तो यहाँ पे डायमीटर का डिफरेंस क्या आएगा, डी फोर माइनस डी टू, और थिकनेस क्या है टी, बस आ गया ये एरिया है। ये वाला पार्ट जो मैंने बोला था प्लीज़ वापस एक बार देख लेना रिवाइंड करके, इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे एरिया का फॉर्मूला आएगा डी फोर माइनस डी टू इंटू स्मॉल टी। फिर क्या है, सेम लोड पर यूनिट एरिया लिख दिया, बात खत्म। एग्जाम में आपको ये वाला पूरा नहीं करना है, सिर्फ ये वाला डायग्राम ड्रॉ करना है जो कि बहुत ही सिंपल है। सो दैट वॉज योर स्टेप नंबर 8, दैट इज फेलियर ऑफ सॉकेट कॉलर इन क्रशिंग। आई होप आप अभी तक हो, एनर्जी है आपके अंदर, इसलिए मैंने पहले वीडियो में ना ये सब नहीं बताया बिकॉज वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता था और फिर बाद में एनर्जी नहीं रहता उतना समझने में। फेलियर ऑफ सॉकेट एंड इन शेयर, तो वहाँ पे जैसे स्पिगॉट में शेयर किया था यहाँ पे भी शेयर होगा।
स्पिगोट में जब भी शेयर किया था, इफ़ यू रिमेंबर, वो एक रेक्टेंगुलर केक जैसा पार्ट बाहर निकला था, राइट? तो क्यों निकला था? वो क्वार्टर उसको तोड़ के बाहर निकल रहा था। वैसे यहाँ पे क्वार्टर क्या करेगा, क्वार्टर जो कॉलर का पार्ट है ना उसको तोड़ के बाहर निकलेगा। किसके कॉलर को? सॉकेट के कॉलर को। तो यहाँ पे दिख रहा है, ये सॉकेट का कॉलर का दो पार्ट, ऊपर का दो पार्ट बाहर निकल के आ रहा है। अभी यहाँ पे आपको क्या चाहिए? एरिया चाहिए। एरिया ये वाला एक शेडेड एरिया, यहाँ पे जैसा शेडेड एरिया है वैसा इसके दूसरे साइड भी, यहाँ पे भी होने वाला है, यहाँ पे भी होगा, राइट? तो जो भी एक साइड का एरिया निकालोगे उसको मल्टीप्लाई बाय टू करना है, तो आपको इसका एरिया मिल जाएगा। अभी यू थिंक एंड टेल मी कि यार यहाँ पे क्या आएगा, ये एरिया का फॉर्मूला कैसे निकालोगे? दो रेक्टेंगल है ऊपर नीचे, उसका एरिया कैसे निकालोगे? कमेंट्स में ज़रूर बता देना अगर आपको समझ में आ रहा हो, अगर मज़ा आ रहा है। तो यहाँ पे अगर पिछला जैसा हम लोग ने वीडियोस देखा, पिछला पीपीटी में देखा, तो पता चला इसके लिए अगर मैं पूरे डायमीटर से, बड़े वाले डायमीटर से अगर ये छोटे वाले डायमीटर को सब्ट्रैक्ट कर दूँ, राइट? ये डायमीटर क्यों आया? बिकॉज ये सर्कल का पार्ट है, इसलिए डायमीटर आया। तो D4 माइनस D2, तो यहाँ पे आएगा D4 माइनस D2 मल्टीप्लाई बाई दिस विद, दैट इज C। तो मुझे एक साइड का एरिया मिल रहा है, बट मैंने क्या बोला, दोनों साइड हो रहा है शेयर, डबल शेयर है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाई टू कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका एरिया। बस एक बार एरिया आ गया तो बात क्या है, सिंपल है, ये आ गया एरिया, फॉर्मूला डालो W अपॉन एरिया, बात खत्म। वही है, वही सब चीज़ हो रहा है, सिर्फ हम लोग को एरिया के ऊपर ज़्यादा फोकस करना है। तो दैट वॉज योर फेलियर ऑफ सॉकेट एंड इन शेयर। तो आई होप आपको समझा रहेगा। नेक्स्ट वाले टॉपिक के बारे में बात करते हैं, जो कि है फेलियर ऑफ क्वार्टर इन शेयर। ये वाला आपका फाइनल पार्ट है, हाँ हो गया है, इसके बाद में और कुछ नहीं है। और वन मोर थिंग बिफोर आई मूव अहेड, कि अगर आपको ये वीडियोस अच्छा लग रहा है तो यार डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग, आपके दोस्तों को बताओ, आपके ग्रुप्स में शेयर करो, पता चलने दो लोगों को कि EMD का सब्जेक्ट इजी तरीके से एक्सप्लेन हो रहा है कि नहीं। एंड मोर देन दैट यार मुझे कमेंट्स में बताओ, कमेंट में ना मुझे पता नहीं चल रहा है कि यार आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर आप रिप्लाई नहीं करोगे, बुरा लग रहा है तो यार बोल दो, जो भी नेगेटिव कमेंट्स होगा वो भी मैं बहुत अच्छे से लेता हूँ, मुझे ऐसा कोई टेंशन नहीं है। बट कमेंट्स में बताओ मुझे कि समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, वीडियो कैसा लग रहा है, और इज़ देयर एनीथिंग एल्स दैट यू वांट मी टू डू, तो वैसे ज़रूर बता देना। फाइनल शेप के बारे में बात करते हैं, दैट इज़ फेलियर ऑफ क्वार्टर इन शेयर, राइट? तो क्वार्टर अगर आपको याद रहेगा वो रेक्टेंगुलर कलर का प्लेट था जो हम लोग स्लॉट के जरिए डाल देते हैं, तो क्वार्टर में शेयर हो रहा है, राइट? तो क्वार्टर को शेयर कैसे याद रखना है आपको, कि एक पिन है, अगर मैंने उसको ऐसा बीच में से इसका एक वाला पार्ट निकाल दिया, राइट? तो क्या होगा, ऊपर एक पार्ट रहेगा, बीच वाला एक पार्ट निकाल दिया, और ऐसे तीन पार्ट बन जाएंगे, राइट? तो ये वाला ऐसा तीन पार्ट दिखाई देगा, ये बीच वाला पार्ट आपका निकल गया, ठीक है? तो होगा क्या, यहाँ पे ये जो एरिया है ना, नीचे का एरिया, ये इसका रेक्टेंगल था, तो ये एक एरिया बन जाएगा और ये नीचे का और एक एरिया बन जाएगा। नाउ कहीं ना कहीं पे हम लोग को इतना पता चलता है कि यार सर इसका ये जो स्लांट है, तो इन दोनों का ये जो थिकनेस रहेगा वो इक्वल नहीं रहेगा, बट हम लोग अप्रॉक्सीमेटली पकड़ लेते हैं कि थिकनेस इक्वल है, ताकि हम लोग का जो न्यूमेरिकल का पार्ट है वो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे आपको कुछ ऐसा बॉक्स दिखाई देगा, ऊपर का भी एरिया लेना है आपको, नीचे का भी एरिया लेना है। नाउ ये जो था, इफ़ यू रिमेंबर ये दिस वॉज बी, विड्थ ऑफ क्वार्टर का वैल्यू था बी, और ये जो है ये क्वार्टर का थिकनेस है, क्वार्टर का थिकनेस क्या है, टी। तो एरिया का फॉर्मूला क्या आ जाएगा, ऊपर का एरिया का फॉर्मूला आएगा बी इंटू टी, बट ऐसा दो एरिया लेना है बिकॉज डबल शेयर हुआ है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय टू करना है, तो ये आ गया आपका क्वार्टर का एरिया, दैट इज़ टू इंटू बी इंटू टी। बाद में क्या है, शेयर स्ट्रेस है, तो उसका फॉर्मूला तो आपको पता ही है, डब्ल्यू अपॉन एरिया, एरिया के बदले डाल दिया, समझ में आ रहा है? तो गाइज ये इतना ज़्यादा सिंपल है, 10 स्टेप्स है, आपको एग्जाम में 10 के 10 स्टेप्स नहीं करने हैं, 4 स्टेप्स पूछते हैं क्वेश्चन में, अगर न्यूमेरिकल आया रहेगा तो जिसमें उसमें जो जो वैल्यू चाहिए उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। आई होप आपको मज़ा आया रहेगा, यार कमेंट्स में मेरे को ज़रूर बताओ वीडियो कैसा लग रहा है, सो दैट यू नो आई कैन ट्राई टू इम्प्रूव इफ देर इज एनी नीड, राइट? दिस इज आकाश एस आवन साइनिंग ऑफ, थैंक यू एवरीवन।